और ये देखिए ये हमारी सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर गई हैं। ये है मूली, ये है चौलाई, ये शलजम और हरी प्याज, ये गाजर, ये है चना, ये है मेथी, ये है मटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम अब गर्मियों का चला गया है और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अभी हमने अभी तक जो गर्मियों की सब्जियां लगाई हुई थी उनका खूब आनंद लिया, और अब उनका बरसात के बाद समय चला जाता है, तो अब तैयारी करेंगे हम आने वाले सीज़न यानी कि सर्दियों के मौसम की। और सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो हम लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन पर, वो सारी आज बीज आपको दिखाएंगे, और क्या क्या बातें और बीज लगाने से पहले करनी हैं और किस किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी। तो सबसे पहले अपनी जो पुरानी बेल में फैली हुई थी उनको हटा लेना है अब, और कंटेनर्स जितने पुराने थे उनकी मिट्टी को बाहर निकाल लेना है, खाली कर लेनी है सारी, और जितनी मिट्टी और ऐसे पत्ते वगैरह सब अपने बाहर निकाल लिए हमने और कंटेनर को खाली कर लिया है। ये भी सारी जो पुराने पत्ते हैं ये काम आएंगे। और आप देखिए जो ये पुराने पत्ते हैं इनको भी यूज़ करेंगे हम, जो नीचे मिट्टी कंटेनर में निकाली है सबसे नीचे डाल देंगे तो इनसे जो है खाद बन जाएगी और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी। तो अब मिट्टी में खाद हमने मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जो जितने भी इसमें खाद हमने डाली है ये मिट्टी को फर्टिलाइज हो जाएगी पुरानी मिट्टी। और अब जितने जो कंटेनर हमने खाली किए थे वो सारे जो कंटेनर्स हैं वो फिल करेंगे मिट्टी और खाद का जो मिक्सचर हमने मिलाया है इससे, और ऐसे ही ये जो मिट्टी है अपनी पूरी उपजाऊ दोबारा फिर एक बार तैयार हो गई है नई क्यारी जो बनी है हमारी नए सीज़न के लिए जो सब्जियां उगाएंगे हम। और सारी क्यारी को अच्छे से तरह से तैयार कर लिया और जितने हमारे पुराने कट्टे थे उन पर भी हमने भर लिया, और ये कूड़ा इतना सारा निकल गया है अब पूरे सीज़न का जो साफ़ सफाई करने के बाद। तो अब चलिए आगे फिर बीज लगाते हैं, अब आगे तैयारी करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी क्यारी है मिट्टी हमारी तैयार हो गई थी, और आज अब हम बीज इनमें लगाने वाले हैं। और ये देखिए सारे बीज जो हैं वो रेडिस, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, चौलाई, ये सारे ही हम इसमें लगाने वाले हैं। इधर ग्रीन स्पिंच लगाएंगे इस कंटेनर में, और इसमें इधर दोनों में कैरेट लगाएंगे। जो हाइब्रिड कैरेट है वो हमने बीज मंगवाया था और बीज पे बातें हम पहले कर चुके हैं, और ये सोयाबीन के हमने पेड़ लगाए थे तो ये उगाए हैं ये देखिए। तो अब लगाने के लिए मिट्टी को जो है वो बारीक करने का काम हो रहा है अब, और मिट्टी में जो खाद वगैरह है वो सारी हमने मिला दी थी कंटेनर को अपने, अच्छी तरह से मिट्टी को उपजाऊ बना लिया था। तो अब इनमें बीज लगाने की बारी आ गई है, तो आइए लगाते हैं फिर बीज इनमें। इस तरह से ये लाइन बनाकर एक एक बीज हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लगाएंगे, ये देखिए। और ये मूली के बीज हैं, ये लग गए हमारे मूली के बीज, और अब इधर जो शलजम है उसके बीज हम लगाएंगे। इसी तरह से करके सारे फटाफट अपने जो बीज है वो हम लगा रहे हैं अब। और अब जो हमारी किनारी है कंटेनर की उसके पास हम अपनी हरी प्याज लगाएंगे, जो ये देखिए इस तरह से जो इनकी सब्जी हम हरी प्याज की बनाते हैं, ग्रीन अनियन।
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको हम साइडों में लगा रहे हैं। और इस कंटेनर में हम जो गाजर है, कैरेट, वो अपनी बोने वाले हैं। और ये स्प्रिंकल करके बोई जाती हैं गाजर। और इस कंटेनर में भी जो गाजर हैं वही बोएंगे हम। और अब जो है इसमें पालक की बारी है, हाइब्रिड जो वैरायटी का ये पालक है, इस कंटेनर में पालक हम बोने वाले हैं। ये देखिए, स्प्रिंकल करके इस तरह से ही जो पालक है वो बोया जा रहा है। और इसको अब थोड़ी सी मिट्टी से ऊपर से ढक देंगे। और ये हमारी जो बेल वाली एक सब्जी है सेम, इसको हम ये जो कंटेनर बनाया हमने पुराने कट्टे का, इसमें ये बीज बोएंगे, क्योंकि इसकी जो बेल है वो ऊपर चढ़ाएंगे हम अपने जो ये हमने लगाया हुआ है पूरा जाल, तो ये बीज हम इसमें बोएंगे। और इन तीनों जो कंटेनर हैं इसमें हम जो अपनी मटर है, मटर के बीज लगाएंगे। और इस कंटेनर में हम ये जो मेथी है फेनोग्रीक ये बो रहे हैं। जितने भी हमारे कंटेनर हैं वो अब सारे जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनसे फिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जो सारे सीड्स हैं विंटर वेजिटेबल्स के, वो हमने सारे सो कर दिए हैं, यानी कि बो दिए हैं। और अब बारी है इनकी जमने की, और जैसे जैसे इनकी जो ग्रोथ है वो आगे आएगी, फिर हम एक वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।